मेरे शेख तरीकत किबला हजरत साहब फरमा रहे हैं, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिक्र रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, अदब रसूल आपका हवाला और आपकी पहचान। ये जो इस वक्त महफिल हो रही है और पिछले कमोबेश एक हफ्ते से कराची में मुख्तलिफ जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और शान और जिक्र का जो बयान हो रहा है, बिलाशुबा ये फैजान करम है, फैजान नजर है मेरे मुर्शिद करीम का। अल्लामा साहब एक जुमला जब भी कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ईदगाह वाले कराची में तशरीफ लाते हैं तो कराची वालों की ईद हो जाती है हर जगह। मैं तो ये कहता हूं ईदगाह वाले जहां जाते हैं वहां ईद हो जाती है। और मैं ये भी अर्ज करूं जिस तरह ये महाफिले और इश्क रसूल का ये वलवला जिस तरह आप देखते हैं मेरे मुर्शिद का फैजान करम है, इसी तरह हजरत किबला पीर अल्लामा हसन हसीबुर रहमान साहब जिनकी ज्यारत से आप मुस्तफीज हो रहे हैं और अब से चंद लम्हात के बाद आपके खिताब से भी मुस्तफीज होंगे, ये सारी तरबियत और फैजान करम मेरे मुर्शिद का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में इश्के रसूल जिनका हवाला है हम सब की खुशनसीबी है कि आज उनकी आगोश और उनकी सोहबत में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और मीलाद का तस्करा कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। मैं इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा अदब के साथ महफिल में शरीक हूं। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बैठ जाए, तशरीफ रखें। अतराफ में जो लोग मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इस महफिल इस मजलिस का असल रंग यह है कि आप इस महफिल की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं। इस महफिल की तरफ मुतवज्जे होने का मतलब यह है कि बारगाह रिसालत में आप पूरी तरह अपनी हाजिरी पेश करें। यह हुजूर के जिक्र की महफिल है, यह उस जिक्र की महफिल है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को रिफअत अता कर दी, आपके जिक्र को बुलंदी अता कर दी, आपके जिक्र को हमने अजमतें अता कर दी, इज्जतें अता कर दी। जाहिर सी बात है कि किसी का जिक्र तब ही बुलंद होता है जब उसकी जात बुलंद होती है। जिक्र को अजमतें तब मिलती हैं जब जात अजीम होती है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने आपके जिक्र को रिफअत अता की, तो सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद की हद तक रिफअतें नहीं थी बल्कि जात मुस्तफा को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंदियां अजमतें इज्जतें और रिफअतें अता फरमा दी। तो जब भी किसी का नाम बुलंद होता है तो असल में काम बुलंद होता है, काम से नाम। जब भी किसी का जिक्र बुलंद होता है दर हकीकत उसकी जात अजीम होती है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बिलाशुबा कायनात की अजीम तरीन हस्ती है जिसके बारे में जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, यानी खालिक का बंदा उसके बाद पूरी मखलूक की आकाइयत।
पूरी मखलूक की सरवरी लीडर ऑफ द वर्ल्ड मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इतनी अजीम हस्ती है। उलमाए कराम से आप सुनते रहे, अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े ही मुनफरिद अंदाज में, मुख्तसर से वक्त में हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम की शान भी बयान की, अजमतों का भी जिक्र किया और एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम भी आपको पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें आप उलमा से सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की रिफ़त का जिक्र किया है, अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के जिक्र को जो रिफ़तें अता की, उन रिफ़तों के हजारों लाखों करोड़ों मज़ाहिर में से एक मज़हर ये महफिल जो न्यू कराची में हो रही है, ये भी एक मज़हर है कि आप देखें किस तरह हुजूर का जिक्र इस वक्त सारे जमा होकर कर रहे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला। ये एक मजहर है उन मजाहिर में से जो अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को मुख्तलिफ अंदाज से जो अजमतें अता की हैं उनमें से। वैसे तो आपने देखा कि हुजूर का जिक्र नमाज में, हुजूर का जिक्र अजान में, हुजूर का जिक्र किरात में, हुजूर का जिक्र इकामत में, हुजूर का जिक्र आप देखें तो साबका किताबों में भी मौजूद है और कुरान के पारों में भी मौजूद है, अंबिया इकराम के तस्करों में भी मौजूद है। अंबिया इकराम के तस्करे का इसलिए किया कि कुरान पाक में सूरह आले इमरान में अल्लामा साहब भी मौजूद है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया इकराम से मीसाक ली थी, अहद पैमा लिया था, यानी नबूवत अता की तो ये अहद लिया था। वइज अखज अल्लाहु मीसाकन नबीकीन, क्या अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें इल्म व हिकमत अता कर दूं, उसके बाद जब तुम अपने तफसीरी नुक्ता है कि अपने फराइज़े मनसबी अदा कर लो और मेरा महबूब आ जाए, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकन लिमा मअकुम, उस बात की तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे पास है, जब मेरा हबीब आ जाए, तुम जब अपने फराइज़े मनसबी अदा कर लो, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, तुम नबूवत के फराइज अदा करोगे, लेकिन जब मेरा हबीब आ जाए, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे, उनकी नबूवत पर, और उसकी मदद और नुसरत करोगे। ये अल्लाह ने अहद पैमा लिया था, तो जब अंबिया से अल्लाह ने अहद लिया तो पूरा किया था नहीं किया था? उन्होंने बताओ, उन्होंने अपनी उम्मतों से जिक्र किया था कि नहीं? जो दावत हम तुम्हें दे रहे हैं, ये दावत उस वक्त तक है जब तक हम हैं, हम जब तक जाहिरी तौर पे मौजूद है, ये शरीयत चलती रहेगी, और जिस नबी का दौर आएगा उसकी शरीयत चलती रहेगी, लेकिन जब दौरे रिसालत मोहम्मदी आएगा, तब सारी शरीयतें, सारी दावतें, सारे पैगाम, सारे अहकाम मंसूख हो जाएंगे। अगर कोई शरीयत होगी तो शरीयत मोहम्मद ही होगी और सारी उम्मतें उसी एक शरीयत की पैरवी करेंगे। ये सब अंबिया ने अपनी उम्मतों से कहा था। तो बताओ, अंबिया ने अपनी उम्मतों से हुजूर का जिक्र किया कि नहीं किया? तो हुजूर का जिक्र जिस तरह हुजूर के आने के बाद हो रहा है, हुजूर के आने से कबल भी हो रहा था, हुजूर की आमद से कबल भी हो रहा था, इस कायनात के बनने के बाद हो रहा है, कायनात के बनने से कबल भी हो रहा था। जन्नत में हुजूर का जिक्र, हूरों की पेशानियों पे हुजूर का जिक्र, जन्नत के दरो दीवार पे हुजूर का जिक्र, जन्नत के दरीचों पर हुजूर का जिक्र, जन्नत के कोने कोने पर हुजूर का जिक्र, ये जिक्र इतना अजीम है, इतना बुलंद है कि हर जगह आपको ये जिक्र नजर। अल्लाह ने इसको इतनी रिफत अता की, इसलिए मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो जालिमो, जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो जालिमो, वल्ला जिक्रे हक नहीं कुंजी सकर की है। खुदा की कसम, फिर वो जिक्रे हक, ये जो कहते हैं ना बस अल्लाह अल्लाह करते जाओ,
अल्लाह के सिवा किसी को मत जिक्र याद करो, अल्लाह के अलावा किसी को किसी का जिक्र करना, याद करना, पुकारना माज़ अल्लाह शिर्क है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो, जालिमो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सतर की है। आप कुरान उठा के देख लो, आपको नजर आएगा कि जब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के जिक्र को अपने जिक्र से जुदा नहीं किया, जब बैत का जिक्र आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की बैत को अपनी बैत करार देता है, जब इताअत का जिक्र आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की इताअत को अपनी इताअत करार देता है, जब गुफ्तगू की बात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कौले रसूल को अपना कौल करार देता है, जब किसी से बेजारी की बात आती है कुरान कहता है बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, जब बुलावे की बात आती है दावत की बात आती है कुरान कहता है अजानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, जब ईमान की बात आती है कुरान कहता है फल्लजीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, हर चीज में अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया अपने जिक्र के साथ अपने हबीब के जिक्र को मुत्तसिल फरमा दिया। इसलिए मेरे इमाम ने कहा वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, खुदा की कसम वो खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा भी नहीं। जहां अल्लाह का जिक्र देखोगे अल्लाह के हबीब का जिक्र वहीं मुत्तसिल होगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले सुन्नत का बेड़ा पार करे कि जिस शान से मोहब्बत से अकीदत से एहतमाम से हुजूर का जिक्र करते हैं और सुनते हैं उसके लिए जिस कदर आशिकान मुस्तफा अपनी काविशें अपना वक्त अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं, बिलखसूस न्यू कराची के सेक्टर के लोग डिस्ट्रिक्ट के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत मुबारकबाद जिन्होंने इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुजूल फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं और किसको सुनने के लिए आए हैं, किसको हजरत किबला साहब को और हजरत साहब को, ये सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं मगर आप सुनने वाले बन के दिखाओ। मैं आपको एक किबला साहब की जो है वो एक करामत और एक मेहरबानी सुनाता हूँ कि किबला साहब की तबीयत ठीक ना हो लेकिन सुनने वाले बाजोक हो तो फिर तबीयत का कोई असर नहीं आता, फिर जो किबला साहब सुनाते हैं अल्लाह अकबर। और अगर किबला साहब की तबीयत ठीक भी हो लेकिन सुनने वाले बाजोक ना हो ना तो फिर मजा ही नहीं आता है। तो आप लोगों में जोक है, तैयार है? अब मैं इंशाअल्लाह दावत खिताब देता हूँ नौजवानों के दिल की धड़कन मुबल्लिग इस्लाम पूरी दुनिया में।